इस प्यार के सदके। साथ में तस्वीर लेते, पता तो लगे दूल्हा कौन है, है ना? आओ बैठो 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 बैठो। मुन्ने, मैं अपने पोते को देखने की बात कर रही हूँ, तेरे पोते को नहीं। आप बस बड़े साहब को बता दीजिएगा कि माजबीन बहुत अच्छी है और बहुत जिम्मेदार बहू है। So don't call me dad. यहां मैं तुम्हारा बॉस हूं। Call me sir. कैसी बातें की आपने? प्लीज आप मेरे घर से निकल जाइए, प्लीज जाइए, मैंने और कोई बात नहीं करनी आपसे। और आइंदा मुड़ के मत आइएगा, प्लीज जाए। अब तुम क्या करो? कैसे बचाओगे अपनी बेटी? मेरी हवस से? तुम्हारी बेटी रोज मेरे आसपास मंडराती है, मुझे एक मौका चाहिए, बस बस बस। बहुत है, बहुत हो गया। मुंशी जी अपनी हद में रहे। मैं हमेशा अपनी हद में रहता हूं, लेकिन ये बस करें। इनफ, खुदा के वास्ते यहां से चले जाएं, इससे पहले कि मैं अपना सारा लिहाज भूल जाऊं। जाइए खुदा के वास्ते। जाइए। घर का समधी क्या बन गया? अपने आप को बड़ा समझने लगे। पता क्या कह रहा था? कह रहा था मैं इस घर को बर्बाद कर, समझता है कि डरा के ब्लैकमेल करके अपनी चोरी अपने गबन को छुपा लेगा। मैं डरने वाला नहीं। I'll sort it. मुझे अंदाजा था वो आपकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। काश सीमा, मुझे उस धरिंदे का अंदाजा होता तो अपनी बेटी को उस घर में कभी भी ना ब्याहता। अल्लाह पे भरोसा रखे मुंशी जी, वो जानता है हमारी नीयत अच्छी थी और हमारी बच्ची मासूम है, वो जरूर उसकी हिफाजत करेगा, मुझे यकीन है। इंशाल्लाह। मैं सोच रहा था कि छोटे साहब से बात करके देखूं। कोई जरूरत नहीं अब किसी से भी बात करने की। और मैं आपको बता रही हूं मुंशी जी, ये जो सर्वर है ना, ये आपको परेशान करके मजे लूट रहा है, वरना ये हमारी बच्ची का कुछ नहीं कर सकता। इसे भी तो अपना भरम रखना है, दुनिया को मुंह दिखाना है। और खैर से अब हमारी बच्ची भी अपने शौहर वाली है, आप पुरसकून हो जाए, फिकर नहीं करें, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बड़े दिन हो गए, इस कमरे में कोई ताजा फूल नहीं आए। इसलिए क्योंकि मुझे लगा जैसे ताजा फूलों का असर आप पे खत्म हो चुका था।
एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। क्या सच में आपकी जिंदगी में कोई आ गई है? तुम्हें क्यों हमेशा शक होता है कि मुझे तुम्हें किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा? शेयर नहीं, रिप्लेस। मैं अपने शौहर को शेयर करने में यकीन नहीं रखती। शहबाज जैसे भी थे ना, फकत मेरे ही थे। वैसे एक शौहर का अनरोमांटिक होना कितना फायदेमंद होता है, ये शक ही नहीं करती। काश मैं भी रोमांटिक होता थोड़ा कम। वैसे तुम बीवियां भी है ना, बड़ी मजेदार मखलूक हो। शौहर अगर अनरोमांटिक हो तो कंप्लेन करोगे कोई रोमांस नहीं है, अगर रोमांटिक हो जाए तो शक करोगे शायद ये बातें किसी और के साथ करते हैं। आप भूल गए, आपने खुद मुझसे कहा था कि आपका दिल किसी पे आ गया है। वो तुम अगर कमरे में ताजा फूल नहीं लेके आओगी तो मैं तो कुछ भी करूंगा ना रोमांस में स्पार्क लाने के लिए। चीप अटेम्प्ट था, आई एम सॉरी, अंदर नहीं करूं। अच्छा फोन दूर रखो, आई मीट यू स्टोरी। ओके कहां थे हम लास्ट? हाँ, सफदर हैज पास्ड दैट शट अप। क्या करें? प्यार, मैं समझा तुम मेरी बीवी हो। मॉम, मैं मॉम जैसी तो नहीं दिखती। आई नो तुम नहीं हो और हो भी नहीं सकती। से आई हो कुछ ना कुछ गिरा रही हो। पता मेरे पैर पे कितनी जोर की चोट लगी, दर्द हुई है मुझे। अब जाके इसके लिए दवाई लेके आओ। नहीं, मुझे जाना है। और मेरे जख्म पे दवाई कौन लगाएगी? आप मॉम से। तो सुबह सुबह चली गई किसी एनजीओ के पास, न जाने कब वापस आएगी। अरे लड़की, मेरे जख्म पे दवा कौन रखेगा? हाँ
भले से बड़े साहब मुझे अच्छी बहू ना समझे, छोटे साहब मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो बात दूर से भी तो हो सकती है, इस तरह हाथ लगाने की क्या जरूरत है? और मेरे जख्म पे दवाई कौन लगाएगा? आप मॉम से क्या? तो सुबह सुबह चली गई किसी एनजीओ के पास। जब उन्हें पता था कि मॉम घर पे नहीं है तो तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। तेरे बिना मैं मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। जैसे साथ हम धनक के वो साथ रंग, जैसे साथ रोक रही हूँ वो साथ रंग। कंधे पे हाथ रखेगा, मेरे कंधे पे हाथ रखेगा। क्यों आपने हाथ रखा तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब वो छूते हैं या वो कंधे पे हाथ रखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन छूता है? बताओ किसने लगाया? वो डैड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था बस। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। आई एम सॉरी। नहीं डैड, बात जरूरी थी इसलिए आना पड़ा। तुम्हारी अम्मी का फोन है, तुम्हारे अबू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या अबू को क्या हुआ? मुझे घर जाना है अभी। ये बिजी है, भूलना मत दफ्तर का काम है तुम्हारे पास। हाँ। वो कंपनी की लिस्ट मुझे चाहिए, प्लान उसके मुताबिक ही बनेगा। अब जाना जरूरी है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगा। हाँ, तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ। क्या ड्राइवर के साथ चली जाएगी और तुम राजी हो? एटिकेट सिखाओ इसे। आई एम द हेड ऑफ दिस फैमिली। समझाता हूं डॉक्टर। डांट छोड़ देंगे तुम्हें, सब चले जाओ। अच्छा, अब ज्यादा परेशान मत हो। ऐसे कैसे परेशान नहीं हूँ, मेरे अब्बा को पता नहीं क्या हो गया और अब तो मेरी शादी भी हो गई है, फेल होने का भी डर नहीं है। पता नहीं किस बात पे परेशान हूँ कि बीमार हो गए। अरे
तुम रो क्यों रही हो? रोना शुरू होगी, मत रो। हाँ मत रो। तेज चला लें जरा थोड़ी सी। अच्छा मैं रासिम कहीं रेस्टोरेंट में रुकते, रिफ्रेश होते फिर आगे। है? अरे मेरे अब्बा बीमार हैं, आपको खाने पीने की पड़ी हुई, कैसे आदमी आप? भाई हो सकता है कि मैंने झूठ बोला, अब्बा बीमार ना हो तो? आप क्यों झूठ बोलेंगे? झूठ बोलने से तो बेइज्जती हो जाती है, आपको पता है ना। और मैंने तो जब भी झूठ बोला मैं तो पकड़ी गई हूँ, गुनाह अलग मिलता है। वैसे मैं कभी नहीं पकड़ा गया। हाँ लेकिन तुम्हारी बात सही है, झूठ बोलने से गुनाह तो मिलता है। तुम्हें पता है बड़ों की बात ना मानने से भी गुनाह मिलता है। हाँ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, हम पहले रेस्टोरेंट जाएंगे, ठीक है? गुनाह मिलेगा। जी ठीक। ये जो जितनी भी फाइल्स है कंपनी की, मैं सारी निकाल के लेकर आ गया हूँ, और आपको अकाउंट वाली फाइल्स में से मैं निकाल के दे दूँ। ये इधर। ओके सो यू वांट दिस वन एंड सेकंड, या दिस वन। ओके सो यू वांट इज अकाउंट्स दिस कंपनी, या Take this and yeah. Abdullah? Oh, mom. Hi. Hi, please. Manager saab. Ji, madam. Ye. Aap Shabaz saab ka daftar khulwaiye please. Abhi aur isi waqt. Jaiye. जी मैडम। खाओ। मैं कैसे खाऊं, मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, आप घर चले ना प्लीज। तुम्हें पता है तुम ससुराल में किस तरह टिकी हुई हो? मेरे कहने पर अगर मैं चाहूं तो तुम घर वापस चली जाओ हमेशा के लिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हर बात तो मानती हूँ मैं, सबकी खिदमत करती हूँ, और मुझ गरीब का घर उजाड़ के आपको क्या मिल जाएगा? इतनी गलत बात है, और खा तो रही हूँ। तो बहुत खूबसूरत है। मैं खूबसूरत हूँ? शायद यही तुम्हारी खूबसूरती है, तुम्हें अंदाजा नहीं। मेरी आंखों से देखो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। क्या हुआ, अब्दुल्ला ने कभी तारीफ नहीं की तुम्हारी? नहीं नहीं, उन्होंने तो कभी भी नहीं की, और स्कूल में भी कभी किसी ने नहीं कहा। अम्मा भी हर वक्त डांटती रहती थी, उन्होंने भी कभी नहीं कहा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे, मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे आप? सच बोल रहे। हाँ एक मसला है, लेकिन मुझे पता है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं ना, फर्स्ट भी नहीं आती थी, फेल भी होती रहती थी। नहीं मसला ये है कि तुम अब्दुल्ला की बीवी हो। लड़की को हमेशा पता होना चाहिए कि उसके सामने जो मर्द बैठा है वो खुलूस दिल से उसकी मोहब्बत करता है, इसीलिए तारीफ कर रहा है। तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए जिस तरह मैं कर रहा हूं, या जिस तरह वो शानजे की तारीफ करता है। अब्दुल्ला शानजे की तारीफ करते थे? बहुत तारीफ। वो तो दीवाना था उसका। अगर सही पूछो ना तो मुझे लगता है कि अभी भी उसके जहन पे वही सवार है।
लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, शादी तो मेरी हुई है ना, साथ तो मैं रहती हूँ, शानजे तो नहीं रहती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कौन रहता है, ये देखना पड़ता है कि दिल में कौन रहता है उसके। आप डांट क्यों रहे हैं मुझे, मेरे अब्बा क्यों हैं, तबीयत खराब है आपकी। अच्छा I'm sorry, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाह रहा था। दरअसल मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन पहली दफा मैंने, अरे भाई आपको जो भी कहना होगा ना अंकल जी, प्लीज घर जाके कहिएगा, कब से आपकी बातें सुनने जा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, प्लीज मुझे घर ले चले। चलो बैठो बैठो, ये तुम्हारी कुर्सी है। आज से तुम इसी कुर्सी पे बैठोगे, मैनेजर साहब आज से मेरा बेटा इसी कुर्सी पे बैठ के काम करेगा, पीए की कुर्सी पे नहीं बैठेगा। लेकिन मैम वो सर्वर साहब ने कहा था कि उनको जो भी सीखना है वो बाहर चेयर पे बैठ के। आई डोंट केयर, आप उनसे कह दें कि मैंने कहा है मेरा बेटा इसी कुर्सी पे बैठेगा। जी मैम, जो कुछ भी है मेरे बेटे और बेटी का ही तो है, हम तो सिर्फ इनके लीगल गार्डियंस हैं, जैसे ये बिजनेस सीख जाएंगे हम पीछे हट जाएंगे। जी मैम। ओके यस सर, आप जा सकते हैं। जी मैम। थैंक यू मॉम। यू वेलकम बेटा। बेटा आज से तुम इसी कुर्सी पे बैठोगे, ये तुम्हारे मरहूम बाप की कुर्सी है बेटा, तुम इसके हकदार हो, बाहर नहीं बैठा करोगे, ठीक है। हाँ मैं खुद बाहर नहीं बैठता, वो तो मुझे डैड ने बोल दिया था बाहर बैठने को, इसलिए बैठ गया, वरना मैं अंदर ही बैठता। आई लाइक दिस रूम। कहाँ है सर? वो हमारे माजिबीन को शायद ड्रॉप करने गए उधर। माजिबीन को क्यों? हाँ कह रहे थे कि मुंशी जी की तबीयत खराब है तो इसलिए। खैरियत, वैसे बेटा ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है ना, मुंशी जी तुम्हारे ससुर हैं, फोन करके उनका हाल पूछो। पूछता हूँ। हेलो। हाँ नहीं मैं वो अब्दुल्ला से मिलने आई थी ऑफिस। बड़े साहब आप भी अंदर आए ना। अब्बा क्या हूँ बेटा, क्या हुआ? आप ठीक हैं? आप क्या हुआ बेटा? ठीक हूँ मैं, ये देखो बिल्कुल ठीक। आपकी तबीयत नहीं थी खराब, मैं तो सारे रास्ते सारा वक्त इतना परेशान रही कि पता नहीं मेरे अब्बा को क्या हो गया। बहुत मोहब्बत करती है आपसे। बड़े साहब आ जा, आप बैठे अंदर जाओ तुम। जी तुमसे कहा अंदर जाओ माँ के पास। मुझे डांट क्यों रहे? जाओ। शाम को लेने आऊंगा मैं। जी शाम तक की गारंटी है, तब तक महफूज है, उसके बाद उसने आना तो मेरे पास ही है, मेरे घर। पहली बात तो ये कि वो शहबाज साहब का घर है, और दूसरा वो अपने शौहर के पास जरूर जाएगी। अब्दुल्ला एक रोबोट है जिसका कंट्रोलर मेरे पास है। जाइए आप यहां से। इसलिए कहते हैं अपने से छोटों से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए, जब रिश्ता नहीं था तो आप जनाब, और अब कहां गई मेहमान नवाजी? रास्ता आप जानते हैं,
प्लीज। मैं अपने रास्ते जानता हूं, रास्ते बना भी लेता हूं, और कोई अगर रुकावट है ना रास्ते में तो मैं मुड़ के वापस नहीं जाता, उसको हटा देता हूं, अपनी मंजिल तक पहुंच जाता हूं। आप क्यों बिलावजह दुश्मनी ले रहे हैं मुझसे? जचती नहीं है आपको, आप गरीब हैं। जाइए आप यहां से। शाम को लेने आऊंगा सर। सर मैडम इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। मेरे ख्याल से अगर आप अब्दुल्ला सर की रूम को शिफ्ट करने की बात अभी ना ही छेड़ें तो ज्यादा बेहतर होगा। बात तो मैं करूंगा लेकिन अपने तरीके से। फाइल तैयार की तुमने? सर बहुत बड़ी बचत हो गई, अगर आप वक्त पे फाइल बनाने का ना कहते तो सब किए किराए पे पानी फिर जाना था। बहुत अच्छी तरह जानता हूं तुम्हारी मैम को मैं, वो मेरी बातों में घूम जरूर जाती है लेकिन खुद को चकराने से रोक लेती है, बगैर सबूत के कोई चीज नहीं मानती। कब से अपनी बोले चली जा रही है, जो मैं पूछ रही हूं उसका जवाब दे। अब्दुल्ला छोड़ के गया है या ड्राइवर छोड़ के गया है तुझे? सरवर, सरवर के साथ आई है तुम्हारी बेटी। क्या जरूरत थी उसके साथ आने की? अरे अब्दुल्ला से कहती वो छोड़ देता तुझे, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी आने के लिए? बड़े साहब ने झूठ बोला था मुझसे कि तुम्हारे अब्बा की तबीयत खराब है, तभी तो फट से बैठ के आ गई मैं गाड़ी में, मुझे कोई शौक है आप लोग की डांटे खाने का? झूठ बोला था? झूठ क्यों बोला था उसने? मैं प्यार साहब की तरफ से हो गया। सबको मैं ही मिलती हूँ डांट सुनाने के लिए। अम्मा माँ बात सुनो मेरी। क्या है? मैंने ना तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। शर्म आती है तो फिर छोड़ो। अरे नहीं सुन तो लो ना, जरूरी बात है। छोटे साहब है ना, जब वो छोटे है ना तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब बड़े साहब हाथ लगाते हैं ना तो बड़ा ही अजीब लगता है कसम से। माजबीन वो तो मैं हाथ क्यों लगाता है? अरे तो उन्हीं से पूछे ना क्यों छूते, हाथ पकड़ लेते बात बात पे, कंधों पे पकड़ लेते, और आज सुबह तो डरा ही दिया मुझे। तुमने कुछ कहा नहीं उससे? आप कहती? हाँ अम्मा मैं सोचती हूँ कि मैंने कुछ ऐसे ही कह दिया तो मुझे घर से कहीं बाहर ना निकाल देना, बसा बसा है मेरा घर खराब हो जाएगा फिर। देखना जबीन, वो तेरे ससुर है, उनका तेरा ना इज्जत का रिश्ता है, दूर दूर का रिश्ता, ये हाथ हाथ पकड़ना ठीक नहीं होता। अब अगर वो तुझे हाथ लगाए ना साफ साफ कह देना मुझे छूना पसंद नहीं है। अम्मा अम्मा तुम्हें भी छूते हैं क्या? जी माजबीन अल्लाह ना करे तुम्हारा ससुर मुझे क्यों छुएगा, किस्म की बातें करती हो तुम। अरे भाई क्या पता उनके यहाँ रिवाज हो, बड़े लोग हैं हमें क्या पता। रिवाज हो या ना हो छूने का हक किसी को नहीं है। हाँ लेकिन अब्दुल्ला तो छू सकता है ना, ये तो बात कही थी ना तुमने जब मेरी डॉक्टर हमाद से शादी हो रही थी, तुमने तो कहा था कि शौहर छू सकता है ना? हाँ हाँ तुम्हारा शौहर है ना, और शौहर को मना थोड़ी करते हैं, शौहर को खुश रखना उसकी हर बात मानना ये ना सवाब का काम होता है, और हमारे बुजुर्ग तो कहा करते थे कि जो बीवी अपने शौहर की तरफ पीट करके सोती है ना फरिश्तों की उस पर लानत होती है। अल्लाह मुझे तो पता नहीं कितनी लानतें मिल चुकी होंगी अब तक, भाई सोते बंदे को कहाँ पता चलता है कब पीट करके सो जाए,
और अम्मा जो तुम मुझे कह रही हो, मैंने तुम्हें कितनी दफा देखा है, तुम पीट करके सोती हो, उसका क्या है? वो मेरी उम्र में आके ना बख्श हो जाती है। देख माँ जमीन, बात को समझ, शोहर जो है ना वो घने पेड़ की तरह होता है, अगर उससे दूर जाओगी तो जमाने की धूप से झुलस जाओगे, समझी? नहीं, आसान अल्फाज में समझाओ ना। अरे भाई अब्दुल्ला के करीब रहा करो, उसके काम करो। अरे कैसे करूं काम में, बावला सा हर वक्त मुंह बना के फिरता रहता है पूरे घर में, वो उसकी वजह से, शांजे की वजह से। अब ये शांजे कौन है? रूबा है ना उनकी। रूबा? अरे ये शादी को वक्त ही कितना हुआ, ये रूबा कहां से आ गई? देख माजबी, तुझे ना अब बहुत एहतियात करना होगा, बल्कि अब्दुल्ला का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखो, और अब्दुल्ला की किसी भी बात से ना इनकार मत करना तुम। अम्मा तुम जो अब्बा की हर बात पे इनकार करती हो, उसका क्या? तो तुम्हारे अब्बा की को महबूबा थोड़ी है, अरे इतनी मुश्किलों से तो मैंने हाँ की थी, वो तो मेरी माँ ने बड़ी मन्नतें की थी, अल्लाह बख्शे मेरे माँ बाप को जन्नत नसीब करे। अम्मा ने तो दुपट्टा फैला दिया था और अब्बा ने उठा के पगड़ी मेरे कदमों में रख दी थी। अरे सुनो तो, जा कर रही हो? पका दिया है तुमने, कानों को भी आराम चाहिए होता है। शाहिद, शाहिद, जिस पोजीशन पे आप थे आप शायद भूल रहे, मैं कर चुका हूँ, प्लीज आइंदा मेरा वक्त ना जाया करें, आप खुद ये कर लिया करें। थैंक यू। हाँ क्या? आपसे आपसे बात करनी जरूरी। करो। हम कहीं और चल रहे हैं। भाई यहाँ करो, क्या मसला है, बात करो, क्या बात है? Yes, it's true. तभी मुंशी साहब को फारिग किया। पर मुंशी जी तो बहुत अच्छे इंसान है। ये अच्छे मुंशी साहब अगर अच्छे होते ना तो अपने बारे में नहीं, कंपनी के बारे में सोचते, इन सब के बारे में सोचते मुंशी साहब, तुम्हारे मरहूम बाप के बारे में सोचते जिन्होंने इतना ट्रस्ट किया है, तुम्हारी माँ के बारे में सोचते, यार किसी के बारे में नहीं सोचा। आप एक काम करें, आप कॉल करें, बुलाएं, बात करते हैं, पूछें उनसे जो भी होगा वो। हाँ हाँ बुलाऊंगा, जरूर बुलाऊंगा, थोड़े से और सबूत मिल जाए फिर बुलाऊंगा उन्हें कंपनी, कंपनी आएंगे वो, उसके बाद जेल जाएंगे। और तुमने उनसे और महजबीन से कोई बात नहीं करनी, समझ में आई? डैड महजबीन को तो इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं, इनोसेंट। जिस तरह उसका बाप अच्छा है उस तरह उसकी बेटी इनोसेंट होगी। बेटा बिजनेस का रूल है सिर्फ एक, याद रखना, ट्रस्ट नो वन एंड नो वन मींस नो वन, ठीक है? अब प्रिपेयर करो उसकी मीटिंग के लिए, गो। इसको इंश्योर गो। तबीयत अजीब हो रही है। तब एक काम करो, ये चूरन खा लो, ठीक हो जाओगी। अल्लाह मेरे से तो कुछ खाया ही नहीं जा रहा। जाओगे ऐसे? जब से आई उल्टियां किए चली जा रही है, दवा दे रही हूँ वो भी नहीं खा रहे।
उसकी आदत मालूम तो है, जबरदस्ती खिलाओ उसे। अब आप भी ना जल्दी से कोई अच्छी सी खुशखबरी सुना दें। इसके घर गुड न्यूज है। गुड न्यूज मानो? माँ बनने वाली है। क्या मैं सच्ची में माँ बनने वाली हूँ? प्यार के सदके